हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवास। दिस इज सेशन नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मैटर्स एंड नॉन मैटर्स क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। इन आवर फर्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैटर्स नॉन मैटर्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द कैरेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इन दिस सेशन we will talk about chemical property. So the first is reaction with oxygen. It means how matters and non-matters react with oxygen. So let's see. Matters react with oxygen to form metal oxide. जो matters होते हैं वो oxygen से react करके metal oxide बनाते हैं। For example, देखिए, so magnesium एक metal है, oxygen से react करने पर MgO magnesium oxide बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक metal oxide, यहाँ metal भी है और oxygen भी है, तो ये क्या मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। सो मैटर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। सेकंड, नॉन मैटर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मैटर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन एक नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है फॉर्म होता है। फिर से देखिए, कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। इन दिस रिएक्शन वी विल सी हाउ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स रिएक्ट विद वाटर। सो मैटर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जब मैटर रिएक्ट करते हैं वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनए यहाँ पर सोडियम एक मेटल है, ये H2O मीन्स वाटर, वाटर से रिएक्ट करता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि यहाँ Na जो है मेटल है, OH हाइड्रोक्साइड, तो ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है। इट मीन्स व्हेन मैटर रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। H2 यहाँ पर क्या, H2 हाइड्रोजन गैस है, कि मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। नॉन मैटर्स जो नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मैटर्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड्स। अब देखते हैं कि मैटर्स एंड नॉन मैटर्स एसिड से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। सो व्हेन मैटर रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मैटर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। देखिए, Na यहाँ सोडियम में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो सोडियम मेटल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो NaCl क्या एक सॉल्ट फॉर्म होता है, प्लस H2 मतलब क्या हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या लिखा था, व्हेन मैटर रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट हाइड्रोजन, कि जब मैटर रिएक्ट करता है एसिड से तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। यहाँ Na मेटल है, HCl एसिड है, NaCl सॉल्ट है और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। नॉन मैटर्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मैटर्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद बेस। इसमें देखते हैं कि मैटर्स और नॉन मैटर्स बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सो व्हेन मैटर्स रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मैटर्स बेस से रिएक्ट करते हैं तो भी वो क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। यहाँ देखिए, NaOH ये एक टाइप का बेस है, ये जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है। जिंक क्या है मेटल, तो जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या सॉल्ट एल्यूमिनियम जिंकेट, Na2ZnO क्या है एल्यूमिनियम जिंकेट है, ये फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो मैटर जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या बेस है, बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। सम नॉन मैटर्स रिएक्ट विद बेस नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। सभी नॉन मैटर्स बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, पर अगर कुछ बेसिस ऐसे भी हैं, कुछ मैटर ऐसे भी हैं जो नॉन मैटर जो रिएक्ट करते हैं बेस से, तो सिर्फ क्या होता है सॉल्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है। लास्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सभी मैटर्स जो हैं अगर हम उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, मतलब कि उनके कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन से कम, तो अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक सीरीज फॉर्म होती है, उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में
जो मेटल्स अपर लेवल में होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और जो लोअर लेवल में होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, जो अपर लेवल एलिमेंट हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं और वो लोअर लेवल के एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही हमको पढ़ना है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से सेपरेट कर देते हैं। अब वो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सेपरेट कर देता है। यहाँ देखते हैं, हाईली रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो हाईली रिएक्टिव मैटर है वो लेस रिएक्टिव मैटर को उसके कंपाउंड से सेपरेट कर देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जिंक ZL एक मेटल है, H2SO4 हाइड्रोजन की यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जिंक क्या करता है, डिस्प्लेस करते हैं। मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ZL प्लस H2SO4 एक कंपाउंड था, इस H2SO4 कंपाउंड में से H2 को क्या किया, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। जिंक जो था, जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो जिंक ने क्या किया, H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए H2SO4 में से H2 को हटा दिया, रिमूव कर दिया, उसी जगह पर ये खुद आ गया। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर अगर हम करते लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या मैटर जो था ये हाईली रिएक्टिव मैटर था, उसने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक के कंपैरिजन में, इसलिए जिंक ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। सो दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।